क्या आप जानते हैं कि अलजेब्रा की खोज करने वाला शख्स एक मुसलमान था? उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्मी में पैदा होने वाले मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज्मी ने ही गणित के अलजेब्रा पर दुनिया की पहली किताब लिखी। उनके द्वारा लिखी गई किताब अल जबर वल मुकाबला के नाम पर ही बीज गणित का नाम अलजेब्रा पड़ा। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि अल ख्वारिज्मी ने ही थीसस लिखकर डिग्री लेने की परंपरा की शुरुआत की। वो दुनिया के पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें खिलाफत अब्बासिया द्वारा दुनिया की पहली PhD डिग्री दी गई। अल ख्वारिज्मी ने ही दुनिया में सबसे पहले एल्गोरिथम लिखने की शुरुआत की। कंप्यूटर से लेकर वेबसाइट और एप्लीकेशंस में जिस एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जाता है उसकी खोज भी अल ख्वारिज्मी ने ही की थी। एल्गोरिथम दरअसल अल ख्वारिज्मी का लातिनी नाम है। रॉबर्ट अपचेस्टर ने जब अल ख्वारिज्मी की किताब अल मुख्तसिर का लेटिन भाषा में अनुवाद किया तो उसने अल ख्वारिज्मी का नाम एल्गोरिथमी लिख दिया। यही कारण है कि आज अल ख्वारिज्मी के बनाए गए सूत्र एल्गोरिथम के नाम से जाने जाते हैं। गणित में किसी भी चीज का मान ज्ञात करने के लिए जिस एक्स का प्रयोग किया जाता है इसकी खोज भी अल ख्वारिज्मी ने की थी। अल ख्वारिज्मी ने अपनी किताब अल जबर वल मुकाबला में इसके लिए शय शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन जब उसकी किताब स्पेनिश भाषा में अनुवाद की गई तो इसे XAY के रूप में लिखा गया। बाद में इसे शॉर्ट फॉर्म में एक्स कहा जाने लगा। इस महान वैज्ञानिक ने ही सबसे पहले अरबिक नंबरों का इस्तेमाल किया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि 17वीं सदी ईस्वी तक पूरी दुनिया अरबिक नंबरों का इस्तेमाल करती थी। हम आज जिन अंग्रेजी नंबरों का प्रयोग करते हैं उन्हें अल ख्वारिज्मी की किताब से ही कॉपी किया गया है। अल ख्वारिज्मी दुनिया के उन चुनिंदा वैज्ञानिकों में से हैं जिन्होंने पृथ्वी के सरकमफ्रेंस की खोज की। अल ख्वारिज्मी ने सौर घड़ी और दूरबीन के बारे में जो आविष्कार किए उन्हें कोपरनिका जैसे वैज्ञानिकों द्वारा इस्तेमाल किया गया। दुनिया का सबसे बेहतरीन नक्शा अल ख्वारिज्मी ने ही बनाया था। अल ख्वारिज्मी ने एस्ट्रोलेब की तरह एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया जिससे नमाज के वक्त का पता लगाया जा सकता था। ये इस्लामिक दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मशीन थी। अल ख्वारिज्मी के द्वारा किए गए आविष्कारों ने दुनिया में इंकलाब बरपा कर दिया। आज दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो अल ख्वारिज्मी द्वारा आविष्कार की गई अलजेब्रा का इस्तेमाल न करता हो। अलजेब्रा दुनिया का अकेला विषय है जिसकी खोज एक मुसलमान ने की और उसका नाम भी एक मुसलमान द्वारा रखा गया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली भाषा ट्रिग्नोमेट्री पर आधारित है जिसकी खोज भी अल ख्वारिज्मी ने की थी। अल ख्वारिज्मी द्वारा किए गए आविष्कारों के दम पर ही आज पूरी दुनिया कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। अल ख्वारिज्मी के सम्मान में सोवियत यूनियन ने 1983 में एक पोस्टल कार्ड भी जारी किया। ईरान में वैज्ञानिकों को ख्वारिज्मी के नाम पर आधारित इंटरनेशनल अवार्ड भी दिया जाता है। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल द राइज ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।